हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपना फाइनेंस ऑफिस में, क्योंकि उसमें मैंने अपना एड्रेस चेंज करवाना है। और एड्रेस चेंज होने के बाद ही मेरे पास इसका आईडी पासवर्ड आएगा, जिससे मैं अपना मतलब आगे के लिए मैं उसमें अपना एड्रेस अगर मैं कहीं भी चेंज करता हूँ तो मैं उसमें कर सकता हूँ। अगर मैं कहीं भी मतलब जैसे अब मैं कहीं रह रहा हूँ, वहाँ का एड्रेस जैसे अब मैं चेंज करवा लूँगा, अगर उसके बाद मैं कहीं और जाऊँगा तो अगर मुझे वहाँ का एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा तो मैं अपने आप आईडी पासवर्ड खोल के तो वहाँ पे मैं अपने आप खुद से उसका एड्रेस चेंज कर लूँगा। उसमें ऐसे मेरे पास सोशल का तो है तो उसमें मैं कर लेता हूँ, उसे मैंने ऑटोमेटिक कर लिया था अपने आप ही आईडी पासवर्ड खोल के ना, उसे मैंने अपने आप ही कर लिया था। तो ऐसे ही फाइनेंस का है, उसमें भी हम खुद से अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आईडी पासवर्ड हमारे पास हो तो हम उसमें अपना एड्रेस चेंज कर लेंगे। तो इसीलिए जो भी मेरे पास जो अभी पुराना एड्रेस है, जो बहुत पुराना है, मतलब कि वो यहाँ से लिस्बन में तो है ही नहीं, वो दूसरे एरिया का है, दूसरी सिटी, दूसरी मतलब कि दूसरे स्टेट का है। और वहाँ पे मतलब जब पेपर लॉक हुआ था ना, वो तब का एड्रेस है, जिस बंदे ने पेपर लॉक कराए थे उसी ने डाला था कोई ना कोई एड्रेस, ठीक है। तो सोशल का तो मेरे को मिल गया था आईडी पासवर्ड, वो तो हो गया था, बट इसमें फाइनेंस में थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें प्रॉपर एड्रेस जूनता वगैरह बहुत कुछ मांगते हैं इन पर। तो फिलहाल देखते हैं क्या रहेगा, क्योंकि मेरे पास अभी सोशल का तो है ही, सोशल मैंने चेंज कर रखा है तो वो लेके चलते हैं। बाकी उनकी तरफ से डिक्लेरेशन है IFP वालों की तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से, ठीक है, उसमें भी मतलब यहीं का एड्रेस है। तो वो जो सा एड्रेस डालेंगे, अगर यहाँ के सोशल के अकॉर्डिंग डालेंगे तो वो डाल देंगे, या अपना अगर क्या कहते हैं वो जो IFP वालों ने कॉन्टैक्ट दे रखा है मेरे को स्टडी वाला, अगर वो डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे, जैसे भी रहेगा। आज देख के आते हैं, पता करके आते हैं एक बार क्या रहेगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से मोहिता 4701 जो इंडियन जाती है, तो वो भाई मोहिता होकर जाती है, तो उसी रास्ते में पड़ता है अपना फाइनेंस ऑफिस, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको बस में बैठने के बाद। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपना बस स्टॉप की तरफ, तो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस, मैं खड़ा हूँ बस स्टॉप पे और बस भी अपना आ चुकी है, वो आ रही है 4701, तो अभी इसमें बैठते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं बैठ चुका हूँ अपना बस में और अब चलते हैं यहाँ से और सीधा मिलते हैं अपने जो उसमें पहुँचने के बाद ही, ठीक है। फाइनली गाइस, मैं उतर चुका हूँ अपना बस में से और बस यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है अपना मोहिता वाले फाइनेंस ऑफिस का, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा वहीं पे, तो देखते हैं क्या रहेगा, एड्रेस चेंज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं पहले भी आया था तो उन्होंने एक कागज़ मांगा था, तो वो तो डाउनलोड नहीं हो रहा साइट से, एमा की साइट से। तो अभी देखते हैं वहीं जाके पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं, तो मिलते हैं सीधा वहीं पहुंचने के बाद ही, ठीक है। जो सारी थी उसमें से मैं अभी पीछे स्टॉप था इसका, वहीं से ये भी। तो मैं भी आपको पहुंच ही चुका हूँ फाइनेंस ऑफिस में, अपने बिल्कुल सामने ही है, ठीक है, पूरे 1 मिनट का रास्ता भी नहीं है, ये रहा अपना पीछे ही है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से अंदर, देखते हैं क्या रहेगा, मिलते हैं बाद में, आगे बताता हूँ आपको।
तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपना अंदर फाइनेंस ऑफिस में। बाकी फिलहाल अभी करते हैं वेट, ठीक है, क्योंकि अभी तो कोई नहीं बैठा, जहाँ ये मैडम खड़ी हैं, लेडीज़ खड़ी हैं, तो अभी यहाँ से कोई नहीं बैठा। जब कोई आता है तो फिर पूछते हैं उनसे, करते हैं बात कैसे कैसी ने, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को बाद में, या तो फ्री होने के बाद। तो फाइनली गाइस आज एड्रेस तो चेंज नहीं हुआ, कि जो यहाँ पे सर बैठे हुए थे उन्होंने कहा है कि पहले वो कह रहे कि रेसिडेंस कार्ड में जो एड्रेस होगा वो चेंज कर पाएंगे, क्योंकि एक बार पहले ऑलरेडी एड्रेस चेंज हो चुका है, ठीक है। बाकी इसमें मैंने अभी मेल आईडी और फ़ोन नंबर तो ऐड करवा लिया, बाकी अभी देखते हैं। बाकी वो कह रहे हैं कि एक बार वो एमए में जाके एड्रेस चेंज करवाया हो। बाकी मैंने कहा है इनको कि एमए वाले खुद मतलब कि पहले कहते हैं कि अपना एड्रेस जो है वो सेम होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंटों में, यहाँ तक कि फाइनेंस सोशल और अपना जनता वगैरह सेम एड्रेस को होना चाहिए, तभी वो अपना आगे मतलब फिंगर वगैरह करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपना अभी कार्ड लेके आओ, कार्ड में तो साल लगना है पूरा, तो इसलिए बात है। तो मैं दो तीन दिन में दोबारा आऊँगा इनके पास। बाकी मैंने बोला था कि मेरे दोस्त गए थे वहाँ पे एमए में अपना फिंगरप्रिंट के लिए, एक फिंगर के लिए जैसे उनकी डेट आई थी, ठीक है, उसके कार्ड की, रेसिडेंस कार्ड के लिए, तो वो वहाँ गए थे। तो इस चक्कर में मैंने उनको बोला भी था, वो कह रहे कोई बात नहीं, एक बार आप पता कराओ, ठीक है, फिर जो भी होगा बता देना एक बार। तो मैं अब दो तीन दिन के बाद आऊँगा यहाँ पे, फिर देखते हैं क्या रहेगा। बाकी मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, आपको कई लोग कहते हैं कि सुबह सुबह जाओ काम जल्दी हो जाएगा, बट मेरे मानो तो शाम के टाइम आओ, मतलब कि दोपहर बाद, क्योंकि उस टाइम क्या है रस सारा ख़त्म हो जाता है, सारे लोग सुबह सुबह आते हैं, तो आप लोग शाम को जाओ, उस टाइम सब फ्री होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जाके आपने सिर्फ एक दो बार रिक्वेस्ट करनी है, उसका सारा काम हो जाएगा। सुबह भी आप आओगे लाइन में लगे रहोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अभी तक जहाँ भी गया हूँ ना, आप उस दोपहर बाद ही गया हूँ, और जाते ही मतलब कोई टोकन लेने की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है, आओ सीधा अपना काम करवाओ, ठीक है। तो अभी मैं अभी चलता हूँ थोड़ी देर में अपना बस यहाँ से, अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ, ठीक है, देखते हैं बस स्टॉप किधर है। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ से बस स्टॉप की तरफ, और फिर चलते हैं अपना यहाँ से घर की तरफ। तो मिलते हैं आप सीधा बस स्टॉप पे पहुँचने के बाद ही। बाकी अगर फाइनेंस के बारे में किसी ने कुछ जानना हो, ठीक है, तो वो मुझसे पूछ ले कि कैसे क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्योंकि दो तीन बार मैं घूम चुका हूँ, अब आप कई बार पैसे देते हो उससे, ठीक है, ठीक है, एक बार मुझसे पूछ लो कि कैसे क्या है क्या नहीं, तो मैं आपको सही से जो सही होगा वही बताऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि धक्के खाने के बाद ही लोगों को पता चलता है कि कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे कैसा नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं क्या नहीं, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं यहाँ से अपना काम की, अपना बस स्टॉप की तरफ। तो मिलते हैं आपको बस स्टॉप में पहुँचने के बाद ही। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपना बस स्टॉप पे, ये बस स्टॉप ही है यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। तो अभी करते हैं बस की वेट, और फिर मिलते हैं आपको बाद में बस में बैठने के बाद, ठीक है। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ अपना बस में, और अपन निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं सीधा घर पे, और मिलते हैं सीधा घर पहुँचने के बाद ही। तो गाइस उतर चुका हूँ मैं बस में से, और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो वो भी चलते हैं घर पे, कुछ खाना पीना खा लेते हैं, टाइम भी अप्रोक्सीमेट क्या 2:30 बज चुके हैं पूरे। तो अभी चलते हैं घर पे और खा लेते हैं खाना। तो मिलते हैं हम सीधा घर पहुँच कर ही, बाकी देखते हैं नकुल भाई की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, नकुल भाई की भी कल तक छुट्टियाँ थी उनकी, उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, और देखते हैं भाभी जी घर पे हैं क्या कर रहे हैं, वो या कहीं गए हैं वो भी उनके साथ घूमने फिरने, क्या तो निकल ही गए हो घर पर रह कर, उनको करना क्या है, काम घूम के तरह से निकल गए होंगे, उनको तो मिल ही जाएगा क्योंकि उनको लैंग्वेज भी आती है,
अपने को डच भी आती है, इंग्लिश भी आती है, पुर्तगेजी भी आती है, ठीक है, तो उनको तो मिल ही जाएगा काम। तो बाकी जो भी होगा अपना भी देखते हैं अब तक क्या उम्मीद है, तो जो भी होगा ठीक है ना, देखते हैं। बाकी क्लास भी रह रही हैं कुछ, मैं सोचूँ कि 10-15 क्लास सारी रह गई हैं पुर्तगेजी की लैंग्वेज की, तो वो पूरी कर लो। तो क्योंकि जब इतनी कर ली, 3-4 महीने जब लगाए दिए, तो जो 10-15 दिन लगे हैं वो भी लगा के अपना सर्टिफिकेट ले ही ले, ठीक है ना, उसके बाद अपना काम भी देख लेंगे, उसके बाद तो काम मिलना आसान भी हो जाए उन्हीं की तरफ से भी या फिर की तरफ से भी। तो देखते हैं जो भी होगा, फिलहाल में चलते हैं घर पर, खाते हैं खाना, मिल गया आपको तक पहुँच कर। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपना घर पर। बाकी आज दिखाता हूँ आपको, मतलब जो मैंने चेंज करवाया है अभी, या कभी आप सोचो वैसी बकवासबाजी कर रहा है, ठीक है ना, दिखाई देता हूँ, एक मिनट रुको, खोल देता हूँ बैग को। आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो गाइस ये देख लो, ठीक है, नाम मेरा, निफ नंबर वगैरह सब कुछ है इस पर, और ये मोबाइल नंबर, और ये मेरी ईमेल आईडी जो यहाँ पे चल रही है डॉक्यूमेंटों में वो भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। इसमें बाकी जो पिछले वाला डॉक्यूमेंट था उसके अंदर ये सब कुछ ऐड नहीं था, टेलीफोन ईमेल, ठीक है ना, तो आज ये ऐड हुई है। बाकी देखते हैं अब कुछ दिनों बाद अपना ये चेंज करवा लेंगे एड्रेस भी, ठीक है ना, कुछ दिनों बाद जाके, तो जो भी होगा। तो अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, खाना खुना खा लेते हैं, और अभी नकल भाई भी निकल जाएंगे थोड़ी देर, तो मैं भी थोड़ी देर करता हूँ रेस्ट, अपना सेटिंग कर लेते हैं कमरे की, ठीक है। तो मिलते हैं आपको सीधा शाम को, ठीक है। तो फाइनली गाइस खाना खुना खा के हम आ चुके अपना बेड पे, तो अभी करते हैं वीडियो एडिटिंग, और मिलते हैं अब कल की शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।